सारे सबूत इसी के खिलाफ हैं। इसका मुंह खुलवाने का वक्त आ गया है मेरे सुल्तान। इज्जतदीन का कत्ल और सरदारों के कत्ल की हकीकत भी खुलकर सामने आ जाएगी। तुम पर भरोसा करके मैं अपने आप से शर्मसार हूं। तुम्हारी सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के लिए इबरत बन जाए। मगर तुम मुझे सच सच सब कुछ बता दो तो मैं तुम्हें हल्की सजा दूंगा, तुम्हारा सर कलम न किया जाएगा। अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या नसरुद्दीन ने तुम्हारा साथ दिया था इस साजिश में? वो तुम्हारे साथ इस साजिश में शामिल था? नहीं। मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ इज़्ज़ुद्दीन की लाश के पास जा पहुंचा था। तुमने उसे कत्ल करके मुझे फंसवा दिया। अगर अपनी सजा में नरमी चाहते हो तो एतराफ कर लो, अपनी कुर्बानी दे दो, सलाहुद्दीन को बचा लो, वही तो राज है। उसे फिदाइन ने नहीं, मैंने कत्ल किया। जब सलाहुद्दीन को मुझ पर शक हुआ तो मैंने ये मंसूबा बनाया था, यहां तक कि मलिकुल जिबाल को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मगर सुल्तान नूरुद्दीन ने हमसे ये काम करवाया था। जिरगे में सरदारों का कत्ल सुल्तान की हमसे सौदेबाजी का नतीजा था। क्या तुम मुझसे अपनी जान बचा रहे हो या एक और फितना उठा रहे हो? जो सच है वो बोलो। मलिकुल जिबाल के रास्ते पर मौत हमारे लिए निजात होती है। जब मैं खुद ही एतराफ कर रहा हूं सच्चाई का, झूठ क्यों बोलूंगा? तुमने झूठ बोलकर अपनी जान बचाने का मौका गवा दिया। मैं तुम्हारी जबान को झूठ का जहर उगलने की मजीद इजाजत नहीं दे सकता। इसकी लाश ले जाओ यहां से।